कानपुर देहात सपा प्रत्याशी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा प्रत्याशी ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। धीमी गति से मतदान कराने का आरोप लगाया गया है। सपा प्रत्याशी को रेड कार्ड दिया गया है, घर से निकलने पर रोक लगा दी गई है। तो कानपुर से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर सपा की तरफ से पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस प्रशासन पर धीमी गति से मतदान कराने का आरोप लगाया गया है। सपा प्रत्याशी को रेड कार्ड दिया गया है और घर से निकलने पर रोक लगा दी गई है। देखिए, मतदान हो रहा है, मगर मुझे, मैं समाजवादी पार्टी की, मेरी पत्नी प्रत्याशी है और मुझे परेशान किया जा रहा है। देख लीजिए, रेड कार्ड पत्नी को और मुझे मिल गया है। बार बार फोन आ रहा है कि आप घर में जाइए। मैं चुनाव अभी करता हूँ, मेरी पत्नी प्रत्याशी है और मुझसे कहा जा रहा है कि आप घर बैठिए जाकर। इस तरीके से रात को हमारी गाड़ी एक टोल डाली गई, उन लोगों की बार बार चार्ज, रात भर पैसा बटा है, बार बार प्रशासन को सूचना करता रहा है कि पांच गाड़ी नबीपुर, पांच गाड़ी मुरीदपुर, पांच गाड़ी अलमापुर, ये चैल नहीं है। प्रशासन ने उस पर ध्यान नहीं दिया और निश्चित रूप से मुझे परेशान किया जा रहा है, पोल धीमा कराया जा रहा है। जूनियर हाई स्कूल लड़कों का पुलिस चौकी के सामने है, लंबी लाइन लगी वहाँ। हमारा 90% वोट है समाजवादी पार्टी का, वहाँ 500 की लाइन लग चुकी है और वोट नहीं पड़वाया जा रहा, इतना धीमा पोल कराया जा रहा है। और अब गाजियाबाद से बड़ी खबर, जहां पर नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। लोनी नगर पालिका में फर्जी वोटिंग को लेकर झड़प हुई है। बता दें कि बीजेपी विधायक नंद किशोर और बसपा प्रत्याशी के बीच में झड़प हुई है। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। गाजियाबाद से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग लगातार जारी है और ऐसे में लोनी में झड़प की खबर सामने आई है। जानकारी मिल रही है कि बीजेपी और सपा प्रत्याशियों के बीच में आपस में झड़प हुई है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, दोनों पार्टी के प्रत्याशी आपस में यहाँ पर बहस कर रहे हैं। हालांकि इस घटना के बाद भारी पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती कर दी गई है। बीजेपी विधायक नंद किशोर और दूसरे पार्टी के नेता के बीच में झड़प हुई है। लोनी नगर पालिका में फर्जी वोटिंग को लेकर ये झड़प सामने आई। बीजेपी विधायक नंद किशोर और बसपा प्रत्याशी के बीच में इस बात को लेकर झड़प हुई। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर दोनों को समझाया और मामले को शांत कराया। फिलहाल वहां पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे निकाय चुनाव से जुड़ी एक और अहम जानकारी से, आपको रूबरू करा देते हैं। निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान, इस बीच कई जगहों पर ईवीएम खराब होने की भी खबर सामने आ रही है। बता दें कि मेरठ और अयोध्या में कुछ जगहों पर ईवीएम में खराबी की खबर सामने आई है। अयोध्या के दो बूथों पर ईवीएम में खराबी की सूचना मिली है, जबकि मेरठ में कुछ जगहों पर ईवीएम खराब हुई है। तो अयोध्या के दो बूथों पर ईवीएम में खराबी की सूचना है। मेरठ में कुछ जगहों पर ईवीएम में खराबी की खबर सामने आई है। कानपुर में भी कई बूथों पर ईवीएम खराब है। कानपुर के वार्ड नंबर 65 में 1.5 घंटा देरी से मतदान शुरू हुआ ईवीएम में खराबी के चलते। मेरठ के नगलापट्टू बूथ पर भी ईवीएम खराब हुई। मतदाता यहां पर परेशान दिखे, क्योंकि उन्हें लाइन में लगकर पहले ही इंतजार करना पड़ रहा था और ईवीएम में खराबी के बाद और इंतजार उन्हें करना पड़ा। तो कई जगहों से ईवीएम में खराबी की खबर सामने आई है। इससे कुछ जगहों पर मतदान देरी से भी शुरू हुआ है। कुछ जगहों पर ईवीएम खराब होने से मतदाता भी परेशान दिखे हैं।